दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए। दोस्तों बहुत ही कमाल के एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें कि आप पर मैक्सिमम लोन 2 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन टर्म की अगर हम बात करें तो 36 मंथ तक का लोन टर्म देखने के लिए मिलेगा। अब ये कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है और कौन से सिटी में एप्लीकेशन ये वर्क करिए, सारी डिटेल के साथ मैंने वीडियो में कवर किया। साथ में आपको ये भी बताऊंगा मुझे यहाँ पर कितनी अप्रूवल मिली है और मेरे बैंक खाते में कितने लोन अमाउंट क्रेडिट हुए हैं, सारी डिटेल के साथ ही बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा अगर आप इस एप्लीकेशन से कभी लोन्स लिए हैं तो किस तरह से लोन को रिपेमेंट करेंगे या फिर ईएमआई कैसे आपके बैंक से कटने वाली है, सारी डिटेल के साथ इस वीडियो में मिक्स किया हुआ, तो शुरू से लेकर अंत इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आने पे वीडियो को करिएगा लाइक, हमारे चैनल पे पहली बार आया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों फाइनल आ चुका है मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा शुरू से लेकर अंत इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करिएगा। दोस्तों हमारे फोन में एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है, मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। दोस्तों एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में देख पाएंगे यहां पर 35,000 रुपए का लोन अमाउंट चल रहा है और ये 25 जून 2020 को एप्लीकेशन द्वारा मैंने लोन अप्लाई करके बताया था पिछले वीडियो में लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी। आप यहां पर देख पाएंगे ईएमआई ऑटो डेबिट होने वाली है, सेकंड ईएमआई 1842 रुपए, मुझे पर मंथ 1842 रुपए लोन को रिपेमेंट करना होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोन डिटेल के बारे में। आप यहां पर देख पाएंगे लोन अकाउंट नंबर देखने के लिए मिलेगा, लोन अमाउंट 35,000 रुपए की है। लोन टर्म की अगर हम बात करूं तो यहां पर 24 मंथ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 2 साल के लिए बोल सकते हैं। आपसे यहां पर एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करूं तो 23.5% आपसे चार्ज किया जा रहा है। प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करूं तो 1,032 रुपए मेरे से कुछ पैसे लिए गए थे, हमारे बैंक खाते में जो भी लोन अमाउंट क्रेडिट हुए थे 33,900 कुछ रुपए हुए थे और हमारी ईएमआई कटने वाली है 1842 रुपए पर मंथ, हमें पेमेंट करना होता है। लोन मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था 25 जून 2020 को, जो कि आपको लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ बताया था किस तरह से आधार पैन के साथ लोन के लिए अप्लाई करना होता है और किस तरह से आधार नेच डेबिट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। और दोस्तों ये हमारी लोन अमाउंट चलेगी 2 जुलाई 2022 तक, यानी 2 साल का लोन टर्म आपको देखने के लिए मिलता है। और नीचे में देख पाएंगे कि मेरा यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल आपके सामने शो होगा। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन टर्म 36 मंथ तक का देखने के लिए मिलता है। डिपेंड करता है आपका लोन अमाउंट के ऊपर आपको लोन टर्म दिया जाता है, मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 36 मंथ तक का मैक्सिमम लोन टर्म आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों है ना बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन। दोस्तों हम बात करते हैं ईएमआई कैलेंडर के बारे में। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फर्स्ट ईएमआई पेमेंट कैसे कर सकते हो, वो भी मैनुअली। दोस्तों बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि अगर ऑटो नेट डेबिट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और बैंक में आप अवेलेबल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपको तो पेनल्टी ओवर देना पड़ेगा। साथ साथ अगर इससे बचने के लिए आप उस डेट से पहले आप लोन को रिपेमेंट कर पाएंगे मैनुअली और कैसे करेंगे, इसका वीडियो मैं कंप्लीटली बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगी, एक बार जरूर चेकआउट कर लें। जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट किया है और उस बैंक से अगर ऑटो डेबिट अगर करके रखे हैं तो आपके बैंक खाते से पैसा तो कटेंगे, अगर आप उस बैंक खाते में लोन अमाउंट अगर नहीं रखे हैं तो आपको ऐसे में पेनल्टी देना पड़ेगा, तो ऐसे में बाउंस नहीं होनी चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट करते हैं तो उस बैंक के साथ आपको नेट डेबिट कराना होता है, यानी रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसके जरिए से ऑटो डेबिट आपका होता है, उसी बैंक अकाउंट से आपका लोन अमाउंट ऑटो डेबिट होता है, यानी कि आपके बैंक खाते से कटते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट में अगर एवरेज बैलेंस अगर नहीं रखते हैं तो आप अगर लोन नहीं कटेगा तो ऐसे में आपको पेनल्टी भी देना होगा, तो ऐसे में आप यहाँ पर मैनुअली पेमेंट भी कर सकते हैं, डेट से पहले भी पेमेंट करें तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। दोस्तों टाइम टू टाइम अगर लोन रिपेमेंट करते हैं तो आपकी सिविल भी काफ़ी अच्छी खासी हो सकती है, बिल्ड कर सकते हैं अपने सिविल स्कोर, तो ऐसे में टाइम वेस्ट क्यों करें, आप मैनुअली भी लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं, कंप्लीटली मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी। ये था ईएमआई कैलेंडर के बारे में कि किस तरह से मैंने ईएमआई पेमेंट किया है और किस तरह से आप मैनुअली पेमेंट कर सकते हैं बिना बैंक ऑटो डेबिट किए। दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन के सामने देख पाएंगे ईएमआई ऑटो डेबिट होने वाली है 2 सितंबर को, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आज ही के डेट में लोन को रिपेमेंट करने वाला हूं, क्योंकि मैं एवरेज बैलेंस नहीं रख पाता हूं अपने बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट मैंने क्रेडिट किया है, तो ऐसे में आप यहां पर मैन्युअली पेमेंट कर सकते हैं। पे के ऊपर आप यहां पर क्लिक करेंगे और आपकी ईएमआई पेमेंट अमाउंट आपके सामने शो होगा, इस तरह से आपको वेट कर लेना है।
फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर गेटवे ओपन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे रोजोपे का, और आपके यहाँ पर नाम के साथ साथ आपका लोन अमाउंट होगा, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कार्ड यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए से लोन को रिपेमेंट कर पाएंगे। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ यूपीआई के जरिए से। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे योर पेमेंट इज बिगिन द प्रोसेस, फिलहाल यह वेरिफिकेशन के लिए गया है, और यहाँ पर देख पाएंगे एप्लीकेशन फोन पे ओपन हो चुका है, और ऐसे में अपने हिसाब से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज करेंगे, अपने हिसाब से लोन अमाउंट एक बार कन्फर्म करेंगे, जिस बैंक से आप लोन अमाउंट क्रेडिट करना चाहते हैं वो उस बैंक सिलेक्ट करेंगे और नीचे से सेंड करेंगे, फिर यहाँ पर यूपीआई पिन डालेंगे और नीचे से डन करेंगे। आप यहाँ पर फाइनली देख पाएंगे कहेंगे 1842 रुपए लोन रिपेमेंट मैंने कर दिया है मैनुअली, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप मैनुअली लोन को रिपेमेंट कर सकते हैं बिना ऑटो डेबिट की। तो फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट ईएमआई और सेकंड ईएमआई पेमेंट मैंने कर दिया है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख पाएंगे 1842 रुपए पर मंथ मुझे यहाँ पर देनी होती है। तो दोस्तों यदि आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव प्रोसेस देखना चाहते हैं किस तरह से एप्लीकेशन के जरिए से हमें लोन के लिए अप्लाई करना है और किस तरह से अपने बैंक खाते में लोन अमाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर ऑटो डेबिट नैच कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो सारी प्रोसेस कंप्लीट एक वीडियो में मैंने बनाया है, जाकर वीडियो चेकआउट कर ले, डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन द्वारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए बेस्ट एप्लीकेशन माना गया है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोन 2 लाख रुपए से लेकर मैक्सिमम टेनोर आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों है ना बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन, जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और लोन के लिए अप्लाई करिए। सिर्फ आधार पैन के साथ एप्लीकेशन वर्क करती है, लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो का लिंक एक बार चेकआउट करें। दोस्तों फाइनली वीडियो आपको बहुत ही कमाल की लगी हुई, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा क्योंकि चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।